वेलकम टू इंग्लिश स्कॉलर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप यह जानने वाले हैं कि आपके एडमिट कार्ड कब तक आएंगे, क्योंकि आपकी जो डेट थी पहले तो लेट थी, लेकिन अब उसे जल्दी कर दिया गया है। आई एम ब्रजेंद्र ठाकुर, और अब आप इस वीडियो में जानने वाले हैं कि आपके एडमिट कार्ड अब कितनी जल्दी मिलने वाले हैं। तो इससे पहले जो नोटिफिकेशन आया था वो कब आया था? 17/1/2024 को आया था, मतलब 17 जनवरी को आया था। और अब जो न्यू नोटिफिकेशन वो कब आया है? 29/1/2024, मतलब 29/1/2024 को आया हुआ है। अब इसमें आपके एडमिट कार्ड और भी जानकारी इसमें दी गई है, मतलब इसमें आप इसका टाइटल देख रहे होंगे, संदर्भ लिखा हुआ है। इसमें बताया गया है कि जो पहले नोटिफिकेशन आया था उसमें जो चेंजेस हैं उससे रिलेटेड है। तो आपकी जो डेट है वो अब जल्दी कर दी गई हैं, पहले ये सब लेट थी। तो आपके जो रजिस्ट्रेशन है एग्ज़ाम के लिए वो कब होंगे? 26 जनवरी से 4 फरवरी तक होंगे। और इसमें आपकी जो भी डिटेल हैं, सब्जेक्ट हैं, ये सब आपके रजिस्ट्रेशन के टाइम ही फिल किए जाते हैं। तो आप भी मतलब अच्छे से अपने सब्जेक्ट फिल करवाएं आपके स्कूल वालों से। अब 4 फरवरी तक क्या होगा, जो आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम के नंबर थे वो मार्क्स आपके अपलोड होंगे पोर्टल पर, वो भी आपके स्कूल वाले करने वाले हैं। और इसके बाद में क्या होने वाला है, 3.5 देखेंगे अब हम। इसमें लिखा हुआ है आपके एडमिट कार्ड से रिलेटेड जानकारी। तो 8 फरवरी तक आपके क्या जाएंगे, अब एडमिट कार्ड आ जाएंगे, जो आपके पहले कितनी तारीख को आने वाले थे, 25 फरवरी को आने वाले थे, जो अब कब आ जाएंगे, 8 फरवरी को ही आ जाएंगे आपके स्कूल में आ जाएंगे। और एक इसलिए होंगे, सिर्फ आपके डिटेल मैच करने के लिए होंगे, मतलब जो आपके ओरिजिनल एडमिट कार्ड हैं वो अभी नहीं आएंगे। ये कौन से वाले एडमिट कार्ड की बात की गई है यहाँ पर, इन्हें कहते हैं प्रोविजनल एडमिट कार्ड, मतलब ये सिर्फ आपकी डिटेल मैच करने के लिए होते हैं। अब इसके बाद में 3.6 देखते हैं। तो इसमें बताया गया है कि आपके जो एग्ज़ाम, मतलब जो आपका एडमिट कार्ड है उसमें जो भी मिस्टेक हैं उन सब की डिटेल सही करके 10 फरवरी तक क्या करना है, आपके स्कूल वालों को पोर्टल पर अपलोड करना है। और भी जो मतलब आपके ऑनलाइन शुल्क हैं और इससे रिलेटेड जो भी काम है उनको कब करना है, 12 फरवरी तक कंप्लीट करना है। और लास्ट सबमिट करना है। इसके बाद में जो आपके एडमिट कार्ड हैं वो 15 फरवरी तक आपके स्कूल में आ जाएंगे, जो आपके ओरिजिनल वाले एडमिट कार्ड होंगे ना वो कब आ जाएंगे, 15 फरवरी तक आपके स्कूल में आ जाएंगे। तो आप 15 फरवरी के बाद से क्या कर सकते हैं, अपने स्कूल वालों से एडमिट कार्ड ले सकते हैं। और ये आपके स्कूल वाले मतलब कब तक आपको सभी को बांट देंगे, 17 तारीख तक बांट देंगे, 17 फरवरी तक। और इसके बाद में भी कुछ बच्चे छूट जाते हैं तो वो स्कूल से जाकर ले सकते हैं, लेकिन ये काम स्कूल वालों कब तक करना है, 17 फरवरी तक कंप्लीट करना है, कि जितने भी बच्चे हैं उन सबको एडमिट कार्ड देना है। अब इसके बाद में प्रोजेक्ट वर्क के मार्क्स भी आपके 4 फरवरी तक स्कूल वालों के द्वारा अपलोड किए जाने पोर्टल पर, तो ये सब जानकारी इसमें दी हुई है। और आपके जो मतलब एग्ज़ाम की कॉपी कब से चेक स्टार्ट होंगी, यहाँ पर लिखा हुआ है 14 से 15 मार्च तक क्या होने वाली हैं आपकी कॉपी, मतलब जिस एग्ज़ाम सेंटर पे आपकी कॉपी चेक होने वाली है उस पे पहुँच जाएंगी। और 16 तारीख से 28 तारीख तक आपकी कॉपी क्या होंगी, चेक होंगी, और डेली उनके मार्क्स अपलोड होंगे, मतलब 28 मार्च तक आपकी कॉपी क्या हो जाएंगी, चेक हो जाएंगी। इस नोटिफिकेशन के अनुसार 28 मार्च तक आपकी कॉपी चेक हो जाएंगी और अप्रैल में आपके रिजल्ट के आने के चांस रहेंगे। तो ये सब जानकारी इस नोटिफिकेशन में दी हुई थी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।